शरारा पहना था एक। हाय गाइस, ईद मुबारक आप सभी को। अभी बज रहे हैं 8:30। मैंने बस ऑयलिंग किया अभी और मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद आई कैन शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। क्या प्लान है आज का सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं बस अभी नहा के निकली हूँ और इधर एक नया पिंपल भी निकल गया है। तो मुझे अभी एक गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाना है, गेट रेडी विथ मी फॉर ईद फॉर माई इंस्टाग्राम। तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं थोड़ा बहुत रेडी होके निकल जाऊंगी मेरी बहन के पास। सो या मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप कर रही हूँ, कुछ खास नहीं कर रही हूँ, तो मैं पूरा मेकअप वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। मैंने इधर पिंपल पैच लगाया क्योंकि पिंपल के ऊपर मुझे मेकअप नहीं करना है। तो मैं फाइनल लुक आपको बताती हूँ हो जाने की बात, ठीक है? ओके, सो माई मेकअप इज डन। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल मेकअप किया है, लाइक माई एवरी डे मेकअप लुक। मैंने मेकअप थोड़ा पीचिश साइड में रखा है, पीचिश साइड में रखा है, और एक मैट लिपस्टिक पहना है ओम्ब्रे काइंड ऑफ। आईब्रोज अच्छे से कर लिया है और मैंने काजल से लाइनर पहना है। सो या दैट्स माई मेकअप फॉर ईद। अब मैं क्विकली मेरा इंस्टाग्राम का वो वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ फाइनली। तो मैंने वीडियो बना लिया इंस्टाग्राम के लिए। ये मैंने शरारा पहना था, एक बहुत ही प्यारा कलर का, पर्पल कलर का है। आई वोर दिस बट आई एम नॉट गोना वेयर दिस। मैं ये चेंज करके जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आई कांट वेयर डार्क कलर। तो मैं एक थोड़ा सा प्लेन सा कॉटन का कोई कुर्ता पहनूंगी और वो जाऊंगी। तो मैंने चेंज कर लिया, अभी मैं निकल रही हूँ। ये पिंपल पैच बार बार खुल जा रहा है, तो मैं निकल रही हूँ। ताला मार के सब कुछ कर दिया है, राइट? दरवाजा बंद कर दिया, हाँ, या गुड टू गो। तो ये है मेरा फाइनल आउटफिट जो मैंने पहन लिया है। आई जस्ट गॉट दीज चप्पल्स यस्टरडे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे आज के आउटफिट के साथ। दिस इज माई ईद आउटफिट। मैंने रिक्शा बुक किया था, उसने कैंसिल कर दिया, तो अभी मैं फिर से दूसरा वाला बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा है। हाउ नाइस। तो अभी मैं इधर नीचे बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कोई रिक्शा एक्सेप्ट कर ले और आ जाए तो मैं निकलूँ। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 2:30 नाउ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मेरे बहन के पास, और ये हेलमेट पहन के इतना धूल था बाहर, लिफ्ट ऐसी आवाज़ क्यों कर रहा है, ये टूट के तो नहीं जाएगी ना। ईद मुबारक रैडिश, दिस इज योर फर्स्ट ईद। कैसा लग रहा है? मैं तो खुले दीदा लगा था। हां, এটা তে প্রবলেম হচ্ছে তো তার। গুজু 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 গুজু। দ্যাটস নট ইজি ফর ইউ। দ্যাটস নট ইজি ফর ইউ। अभी शेफा अपना मेकअप कर रही है क्योंकि शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम। मैं उसका कुर्ती लेके आई और हाँ ज्वेलरीज क्या एक ही तो झुमका लेके आई है, बस वो पहनना है। और रैडिश तो इसके पीछे पागल हो गया था, मैं ये पहन के आई थी तो ये ऐसे बजता है ना, तो वो मेरे को काटने को, मैं सोच रही काटने को क्यों आ रहा है। तेरा टैग निकला हुआ है। फाड़ देती हूँ। ओह माय गॉड, तो तू कपड़ा में से टैग नहीं निकालती है क्या? शो योर मेकअप। दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे, वेरी मिनिमलिस्ट। हाँ, तो उसका मेकअप भी मैंने सिमिलर टू माइन ही रखा, सेम लिपस्टिक विच आई डिड। यू जस्ट अप्लाइड द लिपस्टिक और वो भी खराब कर दिया था, तो सेम लिपस्टिक लगाया है। यू कैन सी द डिफरेंस कि ये दोनों स्किन टोन में कितना अच्छे से जाता है, और बस लाइनर लगाया है। तो अभी हम थोड़ा फोटो सेशन करने वाले हैं बाहर, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और ये रहे कुछ पिक्चर्स। बिरयानी खाना क्या देख देख के नहीं बोल रहा है,
तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि बिरयानी खाना है या फिर नान और बटर चिकन खाना है। बट नान चबा पाएगी तू? तो कुछ ने बोला है ये सब बोलने के लिए। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ठीक है मैं तो डाल 50 रुपए कट इसका। ठीक है तो हम डिसाइड करके बताते हैं क्या ऑर्डर किया फाइनली। जुलाई फर्स्ट बिरयानी ऑफ द डे। स्टे ईट। ठीक है वी आर डन, ईद खत्म। हाय फाइव, हाय फाइव। एक ही हाथ पूरा शो ऑफ कर दिया। क्या क्या आता है हमें सब दिखा दिया है ना। पर पैसा लूंगी सबसे लूंगा। बाय रेडिश, बाय। ये सेकेंड राउंड ऑफ चिकन बिरयानी है। कैसा लग रहा है? लेट्स प्ले आस्क मी अ क्वेश्चन। व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी? ईद का सबसे यादगार क्या है? हिंदी में व्लॉग बना रही हूँ। बचपन का, बचपन बचपनी हरकतें। मेरा तो वही ईद से पहले जो शॉपिंग करते थे ना, मैं पापा और अब्बू लोग कोलकाता जाके जो शॉपिंग करते थे वो। अब्बू लोग कितने अब्बू? मतलब अब्बू। तो वो जो शॉपिंग करने का जो मजा आता था और मैं इतना एक्साइटेड रहती थी कि कब घर आएंगे वो लोग, फिर क्या दिखाएंगे, क्योंकि पता हाँ। नहीं होता था ना कि क्या कपड़े खरीद के लेके आ रहे। हम लोग का ऐसा नॉर्म था कि वी वर नेवर यूज्ड टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। तो हम लोग कोलकाता में बड़ा बाजार में जाके हम लोग करते थे एंड देन वी नेवर न्यू क्या आएगा इस वीक में। तो मस्त मजा आता था पूरा। अबू खाली वीआईपी लेके जाते थे एंड यूज्ड टू कम बैक फुल ऑफ क्लोथ्स। हां ओह इट वाज लाइक दैट। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीज आता था, शूज आते थे मैचिंग करके, कितना मजा आता था उस टाइम। मतलब और एक्साइटमेंट इसलिए लगता था क्योंकि साल में हम लोग एक ही बार ईद के टाइम पे आई थिंक शॉपिंग करते थे। हां इसीलिए बाकी टाइम पे शॉपिंग करने जाओ तो छतरी मुंह में गुजार लेते थे। व्हाट वाज दैट? तो कुछ ज्यादा ही इसको बाप रे। अभी बड़ा होके व्हाट डू यू मिस अबाउट ईद? बड़ा होके उतना एक्साइटमेंट नहीं फील होता ईद के दिन। आई थिंक तुझे नहीं होता है, मुझे तो बहुत होता है। मुझे तो अभी भी कुछ हफ्तों पहले से आई फील लाइक वाओ आई हैव टू। तो सब में ही लगता है वाओ। हाँ मैं हर चीज में एक्साइटेड रहती हूँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर। पूरा दिन हो गया अभी रेडिश को नहला रहे हैं। ईद के दिन नहाना पड़ता है शाम को क्या? गई थी बीच में कि मैं व्लॉग बना रही थी, सो भी गई थी फिर भी मैं नहीं सोई थी। तो अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं चाट खाने और चाय पीने के लिए, क्योंकि और कुछ करने के लिए है ही नहीं ईद में। एज यूजुअल हमें रिक्शा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने मेकअप किया है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। सर ऑब्वियसली कुछ मिलता नहीं है तो अभी हम बाइक से जा रहे हैं। काफी लेट हो गया, इट्स लाइक 8:30 हो गया। कुछ पता नहीं, हाँ कुछ मिलेगा भी नहीं। और अभी कुछ चाट खाएंगे तो फिर डिनर भी नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कल्याण नगर, बट जिधर चाय पीने आए थे चाय टाइम्स उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है और समोसा भी नहीं है। तो अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है चाट में। एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बहुत ट्रैफिक था, तो अभी 9 बज गया। सो लेट्स सी। लव होटल है। हमें एक कैफे मिला जो कि ऐसे ही इधर रास्ते में ही पड़ता है, जो कि अच्छा है। तो इधर बेस्ट ऑफ बैंगलोर लिखा है, तो देखेंगे क्या नाम है। फ्रॉस्ट एंड फेदर करके एक है कैफे। क्योंकि आज शायद हम डिनर नहीं करेंगे, बहुत हैवी फील हो रहा है, बिरयानी खाया था इसलिए। तो बताते हैं आपको क्या खा रहे हैं।
कब से वेट करे जा रहे हैं, खाना नहीं आ रहा। और एक दिन से पहले ही पूछ लिया था कि दे विल टेक टाइम। क्या क्या ऑर्डर किया है वो बता एटलीस्ट। चीजी पोटैटो समथिंग एंड देन ऑल थ्री ड्रिंक्स फालूदा मैंगो मिल्क शेक मैंगो। तुम लोग क्या वाइवा दे रहे हो किंग्स? चॉको बनाना समथिंग। मुझे याद नहीं आ रहा है। तू ही बोल रहे तू ही बोल। मेरा फेस तो दिखा दे बाबा। ड्राई फ्रूट का हम लोग कुछ तो लिए थे। एग्जैक्टली वाई डोंट गिव वाइवा। ड्राई फ्रूट फालूदा। फालूदा हाँ तो यही सब मंगाया है। और कैसा गया लाबू तेरा ये स्पेंडिंग विद अस? अच्छा गया। ईद तो अच्छा ही यार, नॉर्मल डे जैसे ही था, बस कुर्ता पहन के सज सज के था। छत पे हम लोगों ने पिक्चर भी क्लिक किया। हाँ पिक्चर भी क्लिक किया है। और हाँ तो वैसे ही था, अच्छा था यूज़। अब तो इतना बड़ा ब्लॉग बना लिया, छोटा छोटा बोल के मेरे को एडिट करने में दिक्कत। फाइनली एक डिश आया है, ये है पोटैटो चीज़ है, तो हम खा के देखते हैं कैसा है। क्रंची क्रंची अच्छा है, स्टार्टर के लिए अच्छा है। यू लाइक इट? और फिर ये आया एक घंटे बाद, कुछ अच्छा नहीं है खाया, बिल्कुल मजा आया। मैं बहुत गुस्सा हो गई, मेरा वाला तो ऑर्डर था कैंसिल कर दिया। आई हैड बहुत गिर रहा है लेकिन फाइनली मेरा वाला गाँव। मैंने वीडियो का ऑन ही नहीं। सो आई जस्ट रीच्ड होम, रिक्शा करके आई। बहुत मुश्किल से रिक्शा मिलता है यार इधर, मतलब मैं कैब करके आई क्योंकि रिक्शा नहीं मिल रहा था। और फिर अभी बस फ्रेशन अप होके थोड़ा मुझे एडिट वेडिट करना है, ये वीडियो व्लॉग जो जाएगा कल उसको एडिट करने बैठूंगी थोड़ा, और फिर सो जाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 10:30 ऑलरेडी बज रहे हैं, तो एडिट करने में 1.5 घंटा लगेगा मुझे। फिर सो जाऊंगी। और कल सुबह हम रेडिश को लेके जा रहे हैं पार्क, क्योंकि संडे को उसका पार्क डे होता है। तो बस यही सब प्लान है। तो फिलहाल आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू नो द ड्रिल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल बटन। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।